नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। आपको बताएंगे संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर, संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिनभर में। लेकिन सबसे पहले बात सुर्खियों की। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण वाला 128वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में 454 और विपक्ष में 2 वोट। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया चर्चा का जवाब। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की मंशा पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। डिलिमिटेशन के बाद अधिनियम लागू करने की बताई वजह, सोनिया गांधी ने की बिल में ओबीसी आरक्षण की मांग। भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर राज्यसभा में चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष मिशन लागत प्रभावी। पूरे सदन ने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना। लोकसभा ने इतिहास रच दिया है। लोकसभा ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कर दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में 454 मत पड़े। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया। दशकों के बाद देश की आधी आबादी को उसका हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक कदम सामने आ गया है। बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से पारित हो गया। अब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा से बिल पारित होने के बाद अब ये विधेयक राज्यसभा में जाएगा और अब राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी। अब देश की नीति बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। महिला आरक्षण विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिलाओं को इंतजार नहीं करना पड़े, इसका पक्का प्रबंध कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लोग जनहित याचिकाएं लगाएं। उनके पास ना तो नीति थी, ना नियत थी और ना ही नेतृत्व था। हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है। आज लोकसभा में महिला बिल को बहस के लिए लोकसभा के पटल पर रखा गया। बिल को बहस के लिए प्रस्तुत करते हुए विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये बिल काफी महत्वपूर्ण है। महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व देने वाला ये बिल है। आप सबने सहयोग किया, मैं आभार भी प्रकट करता हूं। लेकिन ये टेक्निकल बातों में अपने को इतना उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब सोच समझ करके ही इस बिल के लिए प्रावधान किए हैं। इस बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकल भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में SC/ST के लिए आरक्षण है, इसलिए परिसीमन जरूरी है। विपक्ष के समय भी, अभी राहुल गांधी जी बोल के गए, ये बिल पास कराने का समय था, लेकिन ये क्यों नहीं लाए? जो मुझे कई बार एक कोटेशन याद आता है, क्योंकि उनके पास ना तो नीति थी, ना नियत थी और ना नेतृत्व था। आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है। संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं संविधान की प्रस्तावना में। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात कही गई, हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं। राइट टू वोट का विषय तो कई सदस्य ने उठाया, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि राइट टू वोट का अधिकार बाबा साहब ने हम सबको दिलाया। उन्होंने कहा पुरुष और महिला सबको एक साथ वोटिंग राइट मिलना चाहिए। वो वोटिंग राइट मिला और उन्होंने ये भी कहा संविधान सभा में
क्या मताधिकार देकर के तो देखो। तो कई लोगों ने विरोध किया साहब, कुछ लोग अनपढ़ हैं, महिलाएं तो ज्यादा अनपढ़ है। उन्होंने कहा हमारी महिलाएं अनपढ़ हो सकती है, लेकिन जब मताधिकार का दिन आएगा तो वो होली और दिवाली की तरह ये दिन मनाएगी। आज जब मैं जाकर के देखता हूं पंचायत राज का चुनाव, आज मैं जाकर के देखता हूं नगर पालिका का चुनाव, आज मैं जाकर के देखता हूं विधानसभा का चुनाव, आज मैं जब जाकर के देखता हूं लोकसभा का चुनाव, महिलाएं जब सच धस करके आती है, और आपने भी कोटा में देखा होगा, वो सेलिब्रेट करती है साहब और बी आर अम्बेडकर को याद करती है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार महिलाओं ने मंजिल को छू ही लिया। स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय है। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा लाए गए बिल के लागू होने से 15 साल बाद तक महिलाओं को आरक्षण की गारंटी देता है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में वो महिला जो भारत की पंचायतों से जीत कर आती है, उस महिला का न सम्मान होता है न उसकी गणना होती है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में वो महिला जो विधानसभा या विधान परिषद में चुनकर आती है, उस महिला की भी गणना नहीं होती, उसकी भी गिनती नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में जो महिला लोकसभा में राज्यसभा में चुनकर आती है, उसकी भी गणना नहीं करते। वर्षों वर्ष से चला आ रहा था सिलसिला, मोदी सरकार ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया और लिखित में उनसे जवाब दिया कि हाँ, अब हम हिंदुस्तान की पंचायतों में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, विधानसभा में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, लोकसभा में जीतने वाली, राज्यसभा में हमारी जो महिलाएं सेवा दे रही है उनकी गिनती करेंगे। वी हैव मेड विमेन काउंट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बिल को तुरंत ही लागू किया जाना चाहिए। द पॉलिटिकल सिस्टम एट स्केल एंड दिस इज अनदर स्टेप, इट्स ए बिग स्टेप, इट इज नॉट अ स्मॉल स्टेप, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इन दिस रूम, the treasury benches, the opposition, everybody agrees that this is a very important step for the women of our country. They fought for independence. They are as capable as any man, in many ways more capable, and should be given as much space as they possibly can be given. There is one thing in my view that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
वर्षों से जो लंबित था महिला आरक्षण का, वो इस सदन में पेश हो गया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण का मुद्दा मान्यता का सवाल है। 3 करोड़ महिलाओं को मातृवंदना योजना के तहत फायदा पहुंचाया, मान्यवर लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, पेड मैटरनिटी लीव देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने। और एम्पावरमेंट क्या होता है माननीय अध्यक्ष जी? आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाले पायलट में महिलाओं की संख्या 5% है, भारत में 15% है, और ये 10 साल में करेंगे, इसको एम्पावरमेंट। मान्यवर, हम ये जो बिल लेकर आए हैं, मान्यवर ये जो बिल लेकर हम आए हैं, कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए, महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं, महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश की महिला स्कूली शिक्षा के लिए परेशान थी। प्रधानमंत्री ने स्पेशल सेशन बुलाकर महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। दूसरे दलों के सदस्यों ने भी चर्चा में हिस्सा लेकर अपने अपने विचार रखे। आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टेप डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि यह महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है सर? इनके यहां सबसे बड़ी दिक्कत है, और अभी जितने स्पीकर बोलने वाले हैं सर, वो स्पीकर 2026 में ये आर्टिकल 82 पढ़िए, संविधान को जो है पढ़िए, जो संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे। और ये आर्टिकल 82 कह रहा है, ये 82 कह रहा है। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज नॉट कंडक्टेड द डेकेडल सेंसस, एंड इफ डिलिमिटेशन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन सेंसस, इट विल डिप्राइव एंड रेड्यूस the representation of the South Indian states. Yes. It will become like a sword hanging on our heads. Yes. He has said that we support the bill. But he asked this question. Why should the implementation be connected to the delimitation? Yes. We want equal opportunity. We want equal respect. We want to participate in nation building as equals, not by looking down upon us, because we are equals and we can perform, provided we get support in education, support in healthcare system. What is the budgetary allocation for women's health? This government should tell me and the whole house that what is the extra budgetary allocation for reproductive health of women in the country. The women bear children, men don't. So women should require this extra budgetary allocation for their reproductive health. Do this first before bringing the bill. You have tabled the bill. This bill should have come in 2014. When you came, if you are so much interested for the welfare of the women, not before the election, like a gimmick, pulling out a rabbit from your hat. अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबर की।
भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई। इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से इससे जुड़ा संकल्प स्वीकार कर लिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में लगभग 8 घंटे की चर्चा के समापन पर संकल्प का वचन किया और जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। इंडिया स्पेस प्रोग्राम इज अ सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड। इट इज अ कंटिन्यूइंग टेस्टिमनी to the nation's inherent scientific and technological prowess. Affirmative ecosystem and visionary leadership has enabled our scientists to fully realize their potential, unleash their energy and attain this historical milestone. This house recognizes and appreciates the scientists, including and particularly the women scientists, for achieving this arduous feat with the successful soft landing of Chandrayaan 3 near unconquered South Pole of Moon. This accomplishment, along with the other space missions, will usher in long-lasting economic and social upliftment. Unquote. May I take that this resolution is adopted unanimously. इससे पहले सदन में चर्चा के शुरू होने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की असाधारण उपलब्धि, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान में की गई प्रगति को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत की शानदार अंतरिक्ष यात्रा में ये मील का पत्थर हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि इसरो की सफलता ये साबित करती है कि भारत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने और उससे निपटने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। इसके अलावा विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में शामिल होकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना की। फॉलोइंग इट सक्सेसफुल मिशन टू एक्सप्लोर द सन एंड द मून, इसरो हैज एन एरे ऑफ एक्साइटिंग फ्यूचर एंडेवर्स। आई एम डिलाइटेड टू नो दैट इट इज नाउ सेटिंग इट्स साइट्स on the second most scorching planet in our solar system, Venus. Sukriyaan 1, ISRO's upcoming spacecraft, will likely be launched by end of December 2024. Our scientists and engineers have meticulously crafted Sukriyaan 1 to withstand the extreme conditions of Venus and to operate under the most challenging circumstances. With 3 more launches on the horizon, spanning this year, and the next ISRO is positioned advanced Earth monitoring, demonstrate advanced capabilities for precision proximity operations in space, and explore some of the most enigmatic objects in the universe. Taking a giant leap forward, a brighter, more innovative and economically robust future in space exploration, the Indian Space Policy of 2023 welcomes private enterprises into the realm of space exploration. It acknowledges that the private sector possesses the innovative spark, the entrepreneurial spirit and the financial acumen to propel India's space ambitions to greater heights. The implications, honorable members, of this decision are profound. India's journey in space exploration is indeed a matter of national pride. As we look forward to many more chapters of discovery, innovation, and global collaboration in the thrilling saga of space exploration, let us celebrate Bharat's unstoppable journey to greatness. Today we stand before the world, unlocking new avenues of scientific discovery with a new confidence, the self-confidence of an Atmanirbhar Bharat, the self-confidence of a country which produces the highest number of STEM graduates in the world, the self-confidence of a country which today stands before the world with one of the lowest cost missions and one of the most effective and speedy successes that any other country could have achieved. Okay? ये जो नया उत्साहित भारत है, ये जो aspirational इंडिया की नई आकांक्षाएं,
इसको पूरा करने में गगनयान चंद्रयान के बाद आने वाला जो गगनयान मिशन है जो लगभग 2024 में अनुमानित प्लान है उसको भी हम कैसे सफल बनाएंगे उसके लिए हम सब ने इसरो को शुभकामनाएं देनी है। हम सब मिलके एक संदेशा दें कि आगे आने वाले गगनयान के लिए भी इसरो सफल हो। ईच ऑफ देम हैव मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस बिकॉज द पॉलिटिकल लीडरशिप हैज गिवन देम द फ्रीडम टू मेक दोज कॉन्ट्रीब्यूशंस। सर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट इंडिया स्पेस प्रोग्राम has always had a developmental orientation. It has always been space for development, space for communication, space for rural development. We need to give our scientific and technological institutions full independence and professionalism, and we need to free our scientific and technological institutions of any political patronage and political interference and political intervention. And many of the people appreciated our Modi ji. Then during and also it is a success in its period. Chandrayaan 3 safely landed and started research and gave so many information to our country, through the world. That is why we are appreciating. Now when you say what is new, and as it was tweeted, the new is the budget itself. I am going to come to the funding as a whole, but if you see per se only the government budget, if you see the space budget alone, there is a 142% increase in the last 9 years. Anusandhan National Research Foundation, NVSAJ, is almost 80% of funding from non-government sources. It was important for India, ladies and gentlemen, honorable members, Honorable Chairman, sir, because if we have to grow globally, we have to live up to global parameters, we have to be ready for global challenges, and we have to beat them in the global strategies. तो कार्यक्रम सदन दिनभर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।